झकास नाम है। वैसे इधर हम जा कहाँ रहे हैं? गोलकुंडा जा रहे हैं। गोलकुंडा जा रहे हैं? अजगर वहां मिलेगा क्या? अजगर को पकड़ना हलवा है क्या? अब मेरा झोल सुनो, यही बॉक्स उसे चाहिए। पहले इसे खोलते हैं और इसके अंदर जो भी है खत्म करते हैं, फिर इसी से उसे चकमा देंगे। क्यों है ना झकास झोल? पर इस बक्से के अंदर है क्या? खतरनाक हथियार है। अगर इसमें खतरनाक हथियार है तो इसी से अजगर का पेट फाड़ते हैं ना। नीचे रखो वरना सबकी जान जा सकती है। तुमने कहा था ना किसी खोलने वाले को जानती हो। अब ये मत बोलना कि इस बॉक्स को खोलने वाला भी अजगर ही है। अच्छा, डर गए? डरता तो मैं उसके बाप से नहीं हूँ। मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो उसे पकड़ेगा। वो सामने आया तो सबसे पहले तुम ही भागोगे। क्या कर रहे हो? अपन सब एक ही नाव में सवार है, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखो, समझ गए ना? ठीक है, तो बताओ तुम्हारे दस्ताने के अंदर क्या है? तुम ये दस्ताने के पीछे क्यों पड़ी हो? हमें ये सोचना है कि बॉक्स को कैसे खोलें। मुझे इस कचरे के डब्बे से कोई लेना देना नहीं है। हम सब दोस्त हैं, क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? हम बस थोड़े समय के लिए साथ हैं, हम दोस्त नहीं है, समझे? और सुनो, तुम्हारी छिछोरा पंती मुझे पसंद नहीं। जहरीले मकोड़ों को भेजो और अपने सभी बेताल लड़ाकों से कहो कि रेवन का जैसे ही पता चले हमें फौरन खबर करें। एक बार ये नागा पल्स मेरे हाथ आ गया तो इंसानों का नामो निशान मिटा दूंगा और फिर ये पूरी कायनात मेरे कदमों में हो। क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा हंसना चाहिए? तुम ज्यादा खूबसूरत लगोगी। हाथ मत लगा। वैसे किस पागल ने दिया है ये तुम्हें? वापस दे दो। देखो मेरे सामने मुंह फुलाना बंद करो और तुम लाइन मारना बंद करो। मौका अच्छा, ऐसे ही रहना। लॉकेट कहाँ है? तुम्हें नहीं लगता अपन दोनों की जोड़ी जमेगी? सपने में भी नहीं। तू मारती बहुत है, मुझे दस्ताना वापस दो। इसे छुपा रहे थे? तुम्हें इससे क्या मतलब? ये लो। स्टारडस्ट फ्लावर। रेवन, मुझसे गलती हो गई। रेवन, मुझसे गलती हो गई। उठो। रेवन, क्या है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चैन से सोने भी नहीं देते। ये दोनों है कहाँ? यही तो थे, लेकिन क्या हुआ? बचाओ! कोई तो बचाओ! आसमानी मांगर! ओए, तुम लोग वहां कैसे पहुंच गए? नीचे आओ! अरे बचाओ!
पता चला उड़ना कैसा लगता है। अपन की तो किस्मत ही खराब है, अब तो तू हाथ ही नहीं आएगी। क्या कहा? यही कि अब तो तू आसमान की परी है, अपन जैसे चोर के हाथ कहाँ आएगी। पहली बार पिया क्या? और इसके लिए अपन माफी चाहता है। बस यही एक चीज मेरे पिता ने मुझे दी थी, वो इंसानों के साथ अमन चैन से रहना चाहते थे, पर पंख वाले बेताल सिर्फ युद्ध, इसीलिए उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया गया। कम से कम तुम्हारे पास अपना भाई तो है, अपन तो ये भी नहीं जानता कि कहां से आया है। तुम कह रहे थे ना कि अजगर ने तुम्हारे पिता की हत्या की। जहां तक अपन को याद है, मैं इस कटे हुए हाथ के साथ ही पैदा हुआ था। सब मुझे शापित समझते थे। तब मुझे जंगल में पप्पू फादर मिला, वही एक है जिसके ऊपर अपन भरोसा करता है। तुम्हारे हाथ का इस बॉक्स से क्या संबंध है? अपन को नहीं पता। बुरा मत मानना, मुझे लगता है कि अपन दोनों एक जैसे हैं। दोनों के दोस्त नहीं, अपन दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। साथ में लड़ेंगे, साथ में उड़ेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर मैं चोरों का देवता नहीं, प्यार का देवता बन जाऊंगा। फिर अपन दोनों हंसों का जोड़ा बनेंगे। मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। क्या बोलती तू? बस याद रखो कि इस बॉक्स में जो भी है वो खतरनाक है, हमें उसे खत्म करना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपन को एक बात कहनी है। जब से तुम्हें देखा है तब से पता है दिल में अजीब सी हलचल होने लगी है, पता नहीं क्यों। पर मुझे किस करना चाहते हो? मार डालूंगी तुम्हें। सच में मारेंगे क्या? लेकिन वो रह कहां गई? नया नया उड़ना सीखी है ना, थकेगी तो आ जाएगी। अच्छा